बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड। यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनकी हमें एडिशन करनी है। तो मैंने अगली एक्सरसाइज 4.3 और 4.1 कर ली है, वो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल आप सर्च कर सकते हैं इमरान आरबानी एकेडमी। तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम ऐड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करेंगे कि पहले हम इसे तरतीब से रखेंगे। ये पहले हम ए स्क्वायर रखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी रखेंगे, और उसके बाद प्लस का 2bc रखेंगे और प्लस का 3c स्क्वायर रखेंगे। अब कॉमा के इस साइड ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो हम ये इसके नीचे लिखेंगे। अब किस तरह नीचे लिखेंगे, जो जिस मतलब के जो एक जैसे टर्म होंगे वो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर का क्या, इसमें एक जैसा टर्म है तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी है, तो यहाँ पे प्लस का 2ab है, तो यहाँ पे ये प्लस का 2ab रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2bc है और यहाँ पे माइनस का 3bc है, तो यहाँ पे माइनस का 3bc रखेंगे, और यहाँ पे प्लस का 3c स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का 4c स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का 4c स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद आखिरी जो एक्सप्रेशन है वो रखेंगे, फर्स्ट ab है, तो ab वाला ये टर्म है किसका है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का ab रखेंगे, और माइनस का 4bc है, तो यहाँ पे माइनस का 4bc रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का c स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का c स्क्वायर रखेंगे क्योंकि ये c स्क्वायर की टर्म है, ठीक है। उसके बाद माइनस का a स्क्वायर है, तो ये माइनस का a स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, लेकिन a स्क्वायर और a स्क्वायर हम आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखें, यहाँ पे प्लस की साइन है, कोई साइन नहीं तो प्लस की साइन है, और यहाँ पे माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, यहाँ पे ये प्लस का 2ab है और यहाँ पे माइनस का ab है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2ab हैं और यहाँ पे 1ab है, तो ये ऐड करेंगे तो 3ab हो जाएंगी, और उसमें से 3ab में से हम माइनस करेंगे 1ab, ठीक है, 3 में से, तो कितने ab बचेंगे, यहाँ पे प्लस के 2ab बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये माइनस का 3bc है और यहाँ पे माइनस का 4bc है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3bc में 4bc जब हम प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखें तो ये आएगा 7, और माइनस का 7 आएगा, ठीक है, और उसमें ये प्लस का है, माइनस के 7b में से प्लस का 2bc माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 5bc बचेगा, ठीक है, 5bc। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये प्लस का 3c स्क्वायर है और यहाँ पे ये प्लस का c स्क्वायर, पहले प्लस वाले ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4c स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे माइनस का 4c स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो आंसर आया वो क्या आया, बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 5bc। तो व्यूअर्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का सवाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसमें 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 यहाँ तक, और एक्सप्रेशन नंबर 2 यहाँ तक, 3 तक, और एक्सप्रेशन नंबर 3 जो कि माइनस के 1 तक है। तो इन्हें तीनों एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इसे रखेंगे 4x स्क्वायर रखेंगे, और उसके बाद प्लस का 3y स्क्वायर रखेंगे,
उसके बाद माइनस का 6x रखेंगे पहले एक्सप्रेशन में से, और प्लस का 4y रखेंगे और माइनस का 2 रखेंगे। अब दूसरे एक्सप्रेशन में से वो रखेंगे जो कि इस फर्स्ट का जो है एक जैसा टर्म होगा। अब देखें यहाँ पे 4x² है, देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कौन सा टर्म है, ये प्लस का 3x² है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 3x² रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 3y² है तो क्या रखेंगे, यहाँ पे देखें ये माइनस का y² है तो यहाँ पे माइनस का y² रखेंगे, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, इसके वेरिएबल एक जैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस का 6x है तो यहाँ पे देखें ये प्लस का 2x है तो प्लस का हम 2x रखेंगे, और ये दोनों एक जैसे टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस का 4y है तो यहाँ पे देखें माइनस का 4y है तो यहाँ पे माइनस का 4y रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हैं तो हम नंबर एक दूसरे के नीचे रख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये माइनस का 6x² है तो ये कहाँ पे रखेंगे, इस टर्म के नीचे रखेंगे क्योंकि इनके वेरिएबल आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2y² है ये यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इसका जो वेरिएबल है इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, और उसके बाद माइनस का 1 है लास्ट में तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, ये लाइन देंगे, ये नहीं है, ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिखा था, अब इसको हम ऐड करेंगे। देखें यहाँ पे प्लस का 4x² है और यहाँ पे प्लस का 3x² है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7x² हो जाएगा, और प्लस के 7x² में से हम माइनस का 6x² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा, ठीक है, प्लस का, क्योंकि बड़े ट्रम की हम जो है साइन लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस का y² है और यहाँ पे माइनस का 2y² है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम 2y² और y² को ऐड करेंगे तो माइनस का 3y² मिलेगा, और उसमें से हम प्लस का 3y² माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, तो ये प्लस है 3y² और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे माइनस का 3y², ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का 6x है और यहाँ पे प्लस का 2x है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, ये साइन जो है बड़े टर्म की लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, इन दोनों को पहले हम करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, माइनस का 3 होगा, ठीक है, माइनस का 3 होगा, और उसमें से हम प्लस 3 रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस प्लस ये माइनस होता है तो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो इसे भी हम ख़त्म कर देंगे, तो आंसर जो आया वो x² - 4 आया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी तो देखते रहिए मेरे चैनल को इमरान आरबानी एकेडमी, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का, जिसमें सब्ट्रैक्शन। अल्लाह हाफिज़।